नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट न्यूज़ 24। और एक बहुत ही बड़ा खुलासा के साथ ये आरटीआई का एक पत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। पत्र जो है, ये जो आरटीआई लगाई थी श्री सीताराम पालीवाल ने लगाई थी पालीवाल। और आपको बता दें विषय क्या था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराया जाना था। और संदर्भ था, ये रिलेटेड था दोस्तों जीडीएस से और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो पत्र है कार्यालय में 23/9/2019 को प्राप्त हुए थे आरटीआई में। और इसमें जो है चाही गई सूचना क्या थी दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी जीडीएस तक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इससे पहले ये भी बताना चाहेंगे, इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की बड़ी बड़ी न्यूज़ जो है आपको यहीं पे मिलेंगी। आपको मुफ्त में चैनल सब्सक्राइब करना है। विषय क्या था दोस्तों, चाही गई सूचना ये थी कि जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक शाहपुरा दौसा तथा सांभर लेक प्रधान डाकघर में प्रति माह के हिसाब से AIJDSU यूनियन में जीडीएस बीपीएम का चंदा कटौती का संपूर्ण विवरण तथा कुल AIJDSU यूनियन के सदस्य संघ का बताने के लिए, ठीक है। तो GDS के अकाउंट से कितने पैसे काटे गए हैं, यानी सभी के मिला के, और टोटल कितने मेंबर है। आपको बता दें ये राजस्थान का है और दो तीन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधान डाकघर के अंदर जो जो आता है, शाहपुरा दौसा और सांभर के अंदर में जितने ग्रामीण डाक सेवक आते हैं उनका एक राशि कितना काटा गया है। तो आपको बता दें कुल सदस्य यहाँ पे 550 पाया गया। और राशि जो देखकर आप चौंक जाएंगे वो दोस्तों, वो भी 2016 जनवरी से अगस्त 2019 तक का है, यानी 3 साल के करीब सिर्फ 3 जिलों का यहाँ पे देख सकते हैं राशि। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,35,780 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे अमाउंट है जो कि GDS के अकाउंट से काटा जा रहा है। आपको पता है प्रति GDS के अकाउंट से कितना पैसा काटा जाता है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा काटा गया, सवाल ये है कि इतना पैसा काटने के बावजूद क्या GDS को उनका हक मिला, क्या यूनियन ने उनका हक दिलाया। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुलासा हो रहा है। सिर्फ 3 छोटे ज़िलों का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे देश में कितना यहाँ यूनियन को पैसा जाता होगा। अगर जाता भी है, अगर इतना पैसा जाता भी है, अगर 3 जिलों से 5 लाख जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कितना जाएगा। अगर इतना पैसा जाता भी है तो GDS के हक में चीज़ें क्यों नहीं आ रही है, उनके परेशानियों का जो है निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा है, यूनियन क्यों जो है सफलता से काम क्यों नहीं कर रही है। अगर अगर क्या परमानेंट हो जाने के बाद यूनियन के पास कुछ काम ही नहीं रहेगा क्या, इसलिए यूनियन शांत रहती है GDS के परमानेंट होने के मामले में क्यों उतना अभी तक एक्टिव नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो ये RTI से आया गया एक बहुत ही बड़ा खुलासा है और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।